अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची के करीबी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सिंथिया के साथ यौन संबंध बनाना चाहते थे। अली सलीम उर्फ बेगम नवाजिश अली ने कहा है कि उनसे बातचीत के दौरान सिंथिया ने ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि वो सिंथिया के काफी करीब थे और एक साथ एक कमरे में भी रह चुके हैं। अली ने बताया कि इसी दौरान सिंथिया ने उन्हें इमरान खान द्वारा शोषण किए जाने की बात बताई है। तो वहीं एक पाकिस्तानी पत्रकार से बात करते हुए लोकप्रिय पाकिस्तानी टेली होस्ट अली सलीम ने खुलासा किया है कि रहमान मलिक द्वारा उनका बलात्कार किए जाने की बात सिंथिया ने उन्हें नहीं बताई थी। अगर वह मेरे साथ इमरान खान के सेक्स करने के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती थी तो वह पूर्व आंतरिक मंत्री के हाथों हुए बलात्कार के बारे में भी बात कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रिची ने हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शीर्ष नेताओं पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब उनके करीबी द्वारा मौजूदा प्रधानमंत्री पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाने के बाद पाकिस्तान का सियासी माहौल गर्म हो गया है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या है कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।